तो आज से हमारा एंड्रॉयड का सेशन चलेगा, राइट? तो एंड्रॉयड सेशन तभी आप पढ़ें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो मेरा ये सेशन, तो मेरा तो आप लोगों से रिकमेंडेशन है कि भाई आप एंड्रॉयड तभी करेंगे जब आपको जावा बेसिक आ जाए। एटलीस्ट ऊप्स तो आए ही आए, है ना? और ऊप्स तो सबको लगभग आ ही रहा है। बाकी तो और भी टॉपिक्स हैं जो जावा में, मतलब एंड्रॉयड में, मतलब ज़रूरी हैं, और वो सब हम जावा में कवर करते रहेंगे। और साथ में पैरेलली हमारा उधर जावा का सेशन चल ही रहा है। इनिशियल लेवल पे इवेंट हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आप जावा में जो सीखते हो वो एंड्रॉयड में ज़रूरी होता है। लेकिन अभी हमारा एंड्रॉयड भी अपने आप में बेसिक सीखने सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए एंड्रॉयड स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या होता है एंड्रॉयड, क्या इसकी कहानी है। मे बी इंट्रोडक्शन तो सब लोग जानते ही होंगे, क्या सबको पता ही होगा एंड्रॉयड क्या है? मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक यस सर, है, क्या जानते हो आपके स्क्रीन ही बताओ। पर लिखा है प्लेटफॉर्म हाँ जी, है सर ये। अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, और बस इतना ही बोलोगे? एक वर्ड है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है। और सर क्या मतलब पूरी डेफिनेशन बताऊंगे आप? हाँ बिल्कुल, बताइए डेफिनेशन के साथ, बताइए कि क्या है एंड्रॉयड। सर एंड्रॉइड, अब डेफिनेशन मुझे याद नहीं है सर। और कोई हेलो सर, कुछ भी? एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? क्यों एंड्रॉइड एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ? नहीं तो एंड्रॉयड ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने तो नहीं सुना कि ये विंडोज और लिनक्स की तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंड्रॉयड बेस्ड मशीन आते हैं जो एंड्रॉयड ही एंड्रॉयड हो, जिस ऐसा लैपटॉप आता है? मोबाइल तो आते हैं, स्मार्टफोन वगैरह इसमें नहीं चलता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होगा। लैपटॉप भी आना चाहिए लेकिन फिर सर आते हैं, लैपटॉप लैपटॉप में तो हो जाएगा। आते हैं लेकिन मतलब कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कहते नहीं है। कह सकते हैं लेकिन कहते नहीं है, मतलब तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब हम लोग तो कहेंगे को सूट करने के लिए यही है ना। नहीं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग अब कहने सिस्टम ही वाले है। तो कुछ भी कहते हैं। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बिल्कुल है ना? और ऑपरेटिंग सिस्टम ये लैपटॉप में हमारे यूज़ होते हैं, आते हैं, लेकिन उतना मतलब उतना पॉपुलर नहीं है ना, इसलिए कोई एंड्रॉयड वाले लेते नहीं हैं। मे बी मैंने तो वैसे खैर देखा नहीं है कहीं, बट आने चाहिए, और मे बी इन फ्यूचर ये चलेगा भी और आते भी होंगे मेरे ख्याल से। अब एंड्रॉयड वायो का बेस्ड मोबाइल आ रहा है, सोनी टेलीविज़न का आता आता है है। हाँ वायो, जी, कोई टैबलेट आती है सर कन्वर्टेबल वाली, उसे ही बोल रहे थे। हाँ तो ठीक है। तो एकांश ने बताया कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल पे बनाया गया है। और क्या? ठीक है, बढ़िया है। तो हमें कई पॉइंट्स मिल गए मतलब एंड्रॉयड के बारे में, है ना? अब वो राहुल भी है ना इस सेशन में? राहुल, यस सर, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को मतलब हम कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, है ना? पहला हमारा पॉइंट हो गया कि ये एक ओपन सोर्स है ना? इट इज ओपन सोर्स, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। ठीक है, और आप लोग बताते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा पॉइंट। ये सब पॉइंट है एंड्रॉयड के बारे में।
हाँ जी बताएंगे आप लोग, बता दिया था इंस्टॉल करना। इतना ही बस, इतना से थोड़ी ना काम चलता है। सर कर्नल क्या होता है? वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले अपने तरफ से बता दीजिए जो भी बताना है। स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स था। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ लिनक्स कर्नल एंड स्पेशली डेवलप्ड फॉर मोबाइल फोन्स और टू स्पेशली व्हीलर। डेवलप्ड फॉर स्पेशली मोबाइल कैमरा के फोन, लिए बनाया गया था, स्पेशली कैमरा के लिए बनाया गया था। हाँ कैमरे के लिए ये बनाया था एंड्रॉइड जो था वो बना तो कैमरे के लिए था, लेकिन कैमरे की मार्केट नहीं थी, खत्म हो गई थी। तो सही बात है, फिर कैमरा मार्केट जो उसके है नॉट बिग, सो दैट्स वाई। अब तो सर ये हर चीज में है, एंड्रॉइड टीवी में है, कार में है, सब व्हीकल में, वॉच हाँ सही है। में है। तो बिकॉज ऑफ लेकिन सर मार्केट मुझे इट इज कैमरे में अभी तक नहीं मिला एंड्रॉइड, किसी कैमरे में भी है? सोचा था कैमरे में, लेकिन तो उतना मतलब जब से मैं मतलब जानता हूँ, जब से मैं इसको मतलब पढ़ना शुरू किया, इसको मोबाइल फोन के ही लिए बेसिकली मतलब इम्प्लीमेंट करा गया, बट ऐसा कहीं लिखा मिला था मुझे स्पेशली डेवलप फॉर कैमरा, बट बिकॉज ऑफ मार्केट इट इज वेरी मच यूज इन या यूज इन मोबाइल फोन, ठीक है ना, मोबाइल फोन मोबाइल के अंदर ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है चलो ये पॉइंट हो गया, और इनिशियली मतलब मोबाइल के लिए ही बनाया गया था आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हर जगह मतलब यूज होती है। लेकिन सर कैमरे में नहीं मिला जिसके हाँ लिए बना था। नहीं उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, मतलब देखो अगर आप इसको एक्चुअली समझना चाहोगे तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये बात उस टाइम की है कि जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो हुआ करते थे, बट मोबाइल फ़ोन उतना स्मार्ट नहीं होते थे। ठीक है, अब जैसे आजकल के जो स्मार्टफोन होते हैं जिनसे हम स्मार्ट फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक किसी को मेल भेजना है तो फ़ोन से ही मेल भेज दिया, कोई लोकेशन ट्रैक कर लिया, ठीक है, और व्हाट्सअप कर लिया, व्हाट्सअप चला लेते हैं, दुनिया जहान की जो भी चीज़ें हैं मतलब, वो उस तरह से मोबाइल हमारे पास नहीं हुआ करते थे, और मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस आते थे वो भी इनबिल्ट होती थी, जो फ़ोन में चल रही हैं बस वही, ठीक है, हम अलग से कहीं सोर्सेस से नहीं ला पाते थे, है ना। तो Here's the top search result. इन दोनों मतलब प्रॉब्लम को कह सकते हो कि रेक्टिफाई करा गया, सोचा गया, समझा गया, सोचा गया क्यों ना मोबाइल फ़ोन को हम स्मार्ट बनाएं। अच्छा अब अगर हम एक मोबाइल फ़ोन की बात करें या दुनिया जहान की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, और चाहे वो आपका टीवी वगैरह ही क्यों ना हो, और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला उसका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये दो मतलब वेरी एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों मतलब कंपोनेंट के बीच का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है जो हमें दिखता नहीं है। हार्डवेयर लेयर का मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन हो गई हमारी, ये कीबोर्ड हो गया हमारे लैपटॉप का जिस पे हम कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वट एवर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया जो इंटरनली काम करता है। हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर भी आ जाता है क्योंकि प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर ही होता है, एक छोटी सी चिप होती है जो आपकी मशीन में लगी होती है, रैम भी एक हार्डवेयर है अगर देखा जाए तो, है ना, कहते हैं हम रैम पे काम कर रहे हैं, तो रैम का वो ये भी एक एरिया है जिस पे हम काम करते हैं,
बट कहीं कहीं रैम एक हार्डवेयर भी है, ठीक, हार्ड डिस्क हमारा एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो हर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो इम्पोर्टेंट मतलब कंपोनेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीच का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो हमें नहीं दिखता, वही होता है कर्नल। जो कर्नल आप बात करते हैं, कर्नल क्या होता है, तो कर्नल जो होता है वो किसी भी मशीन का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट के बीच का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है, ठीक है। ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है जिस एब्स्ट्रैक्शन लेयर को हम कभी हम मतलब जनरल वर्ड में कभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन होता बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, उसी को हम कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल एक कह सकते हो कि ये आपके किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक लेयर होता है, और वो एक सॉफ्टवेयर लेयर है, अगेन वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसी भी मशीन का, स्पेशली ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। तो जो कि जैसे आप बोलोगे कि हमारे पास कोई भी हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता, ठीक है, उन दोनों के बीच का ये जो लेयर है दैट इज कर्नल, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी गवर्न करता है कि कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा, व्हाटएवर। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इट इज़ अ बॉस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक मिलिट्रियन को कर्नल गवर्न करते हैं ना, जैसे मिलिट्री हैं, 10 मिलिट्रीज हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास मिलिट्रियंस हैं, उनका एक ग्रुप है, उनको गवर्न करने के लिए एक कर्नल होता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करने के लिए कर्नल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट होती है, और क्या होता है भाई, पावर मैनेजमेंट होता है, और क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, ठीक है, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और व्हाटएवर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये सब कर्नल के ही मदद से होती हैं। कर्नल आप ऐसा समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो काम करना है वो कर्नल करवाता है, या कर्नल के माध्यम से होता है, ऐसे बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये होता है कर्नल, समझे। तो एक कर्नल को बनाने में कह सकते हो सालों साल लग जाते हैं, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। तो देखो, अगर एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर की हम बात करें, एंड्रॉयड के डेफिनेशन की बात करें, तो एंड्रॉयड को हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको एक प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, और ज़्यादा टेक्निकल अगर हम जाएंगे तो हम एंड्रॉयड को एक सॉफ्टवेयर स्टैक बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर स्टैक फॉर मोबाइल डिवाइसेस। सो द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंड्रॉयड इज अ ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड स्टैक, ठीक है। देखिए, ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर स्टैक क्रिएटेड फॉर वाइड एरेज ऑफ डिवाइसेस एंड फॉर्म फैक्टर्स, ठीक है। तो दूसरे वर्ड में एक और मैं अपने तरफ से अगर डेफिनेशन दूं, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि द सॉफ्टवेयर स्टैक फॉर मोबाइल डिवाइसेस विच इंक्लूड्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, नहीं, विच इंक्लूड्स लिनक्स कर्नल, नेटिव हार्डवेयर, नेटिव लाइब्रेरीज, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड की एप्लीकेशंस। तो मतलब इसके अंदर एक ही चीज नहीं होता है, ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एंड्रॉयड इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक फॉर मोबाइल डिवाइसेज विच कंटेन्स लिनक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरीज, राइट, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड की एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई कोई भी मशीन होती है तो मशीन के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, और उन दोनों का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है, इसको कर्नल बोला जाता है, और उसी कर्नल के माध्यम से ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो फिर एंड्रॉयड को मैंने बताया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो और मैंने बताया कि एंड्रॉयड को बनाया गया था, अच्छा हम पहले की बात कर रहे थे कि भाई जो पहले पुराने जमाने में हमारे पास फ़ोन हुआ करते थे, वो उनसे हम स्मार्ट फंक्शनलिटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे।
तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि लिनक्स कर्नल का यूज करके बनाया गया, और इस कर्नल में आप मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फंक्शनलिटी दी गई कि अब फोन को हम क्या कर पाए, स्मार्ट कर पाए। तो स्मार्टफोन बनाने के लिए, फोन को स्मार्ट करने के लिए सबसे कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो एंड्रॉयड के लिए वो लॉन्च करा गया। ठीक है, तो अब एक बात आ जाती है कि सर फोन हम जब पहले यूज़ हुआ करते थे या यूज़ क्या करते थे उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था क्या, या ऐसे कुछ चीज़ होती थी? बिल्कुल, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यार कोई ना कोई तो ऐसा एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा जिसमें वो हमारे किसी प्रोग्राम्स को चलाते होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको शुरू में ही बताता हूँ कि जावा को एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जावा अपने प्रोग्राम को चलाने का अपना प्लेटफॉर्म यूज करती है, और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कोई भी रन टाइम एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। वो कोई हार्डवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ रहे हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एज वेल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब बात आ जाती है कि भाई सर मोबाइल फोन जो हम यूज़ हुआ करते थे पहले, यूज़ क्या करते थे? जैसे हमारे पास जब एंड्रॉयड नहीं था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे फोन चलते थे, लेकिन एक फ़ोन हुआ करता था वो ज़्यादा यूज़ होता था, उसको हम नोकिया के नाम से जानते हैं, है ना? और वो सब फ़ोन और आजकल के भी फ़ोन और जितने भी फ़ोन चलते हैं उनमें भी कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को चलाते हैं। यानी कि उनके अंदर भी हार्डवेयर होता है, उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि उनके अंदर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनके अंदर भी कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, तो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली नोकिया में जो यूज़ होता था ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता था सिम्बियंस, है ना? सिम्बियंस के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था मार्केट में, वो वहाँ पे यूज़ हुआ करता था। अच्छा, बाकी भी कंपनियां थी जैसे मोटरोला था वो यूज़ करता था बाडा, है ना? ब्लैकबेरी था वो अपना अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करता था ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, iOS अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था एप्पल, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं हर कंपनीज जो मतलब जो कह सकते हो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज थी उनके अंदर अपना खुद का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। तो बट उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे वो उतने कह सकते हो स्मार्ट नहीं थे, स्मार्ट फंक्शनलिटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और उनके अंदर कोडिंग करना और उनके डेवलपर्स भी उतने इजीली नहीं मिल पा रहे थे। जैसे आजकल एंड्रॉयड के डेवलपर खोजोगे तो गली गली में मिल जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे, है ना? तो कि भाई मैं तो एंड्रॉयड ऐप बनाता हूँ, मेरे देखो 4 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे चल रहा है, समझ रहे हो? तो वो उस टाइप का चीज़ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो ऐसी कुछ मार्केट मतलब उनके मतलब इस एंड्रॉयड को क्रिएटर्स एंड्रॉयड के क्रिएटर्स के माइंड में ऐसा था कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे आज जो ये आज दिन आ पाया है ऐसा दिन आ जाए कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एंड्रॉयड डेवलपर्स अवेलेबल हों और फ़ोन स्मार्ट हो जिससे स्मार्ट फंक्शनलिटीज हम परफॉर्म कर पाए, समझ रहे हो ना? तो इन सारे चीज़ को माइंड में रख के इसे बनाया गया था, राइट? तो और इसको बनाया किसने था, हु इज़ द क्रिएटर, हु इज़ द इनिशिएटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसको किसने डेवलप किया? गूगल कंपनी ने, राइट? किसने? नो सर, गूगल ने नहीं, किसने? एंड्रॉयड अच्छा, एंडी रूबिन ने। ठीक है, तो एंडी रूबिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इसका इनिशिएशन किया और इसको बनाया। तो फिर भी हम बोलते हैं गूगल का है एंड्रॉयड, क्यों भाई? एंडी रूबिन ने 50% बनाया, इसको पॉपुलर करने के लिए 50% शेयर सर गूगल के पास है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब 50% शेयर, तो इसका क्या कंसेप्ट है जरा इसको भी बताता हूँ। मतलब ओवरऑल वही उसके क्रिएटर थे, वही उसके डेवलपर थे, राइट? उन्होंने ही बनाया था, एंडी रूबिन ने ही बनाया था इसे। तो बट बाद में इसको पॉपुलर करने के लिए बिल्कुल मार्केट के अंदर एक कम्युनिटी बनाई गई जिसको बोला गया ओपन हैंडसेट अलायंस,
OHA कम्युनिटी है ना, OHA, OHA, ओहा जिसको हम बोलते हैं, OHA स्टैंड फॉर, तो OHA स्टैंड फॉर ओपन हैंडसेट अलायंस, तो इट इज अ, आप बोल सकते हो कंसोर्टियम ऑफ 84 मैन्युफैक्चर कंपनीज, जिसमें बहुत सारे, पूरा मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, ओपन हैंडसेट अलायंस, तो आपको ओपन हैंडसेट अलायंस का अलग ही ओआरजी साइट है, बट पहले विकिपीडिया में मैं दिखाता था वहां पे भी, ये यहां पे वो सारी कंपनीज जो हैं वो दिख जाती हैं आपको। तो ओपन हैंडसेट अलायंस इज अ कंसोर्टियम ऑफ 84 फॉर्म टू डेवलप द ओपन हैंडसेट मोबाइल डिवाइसेस एंड मेंबर्स फॉर्म इंक्लूडिंग HTC, सोनी, डेल, इंटेल, मोटरोला वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक्चुअली देखो ना, एंड्रॉयड एंडी रूबिन का है ना ही गूगल का है, ये एक कम्युनिटी का है और वो कम्युनिटी है ओपन हैंडसेट अलायंस, यही उसको गवर्न करती है, इसी के ही थ्रू उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी आएंगे और भी जानेंगे चीज़ें कि ये क्या है और क्या क्या काम करती है, इसको आने से क्या फ़ायदा मिला। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली एंड्रॉयड जो हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बनाने का, तो एंड्रॉयड कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब कहने का ये सेंस है कि एंड्रॉयड इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट लैंग्वेज लाइक जावा, नॉट लैंग्वेज लाइक पाइथन, ना ही कोई एक फ्रेमवर्क है। हाँ, एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम, क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर सकती है, करती है और साथ में APIs प्रोवाइड करती है, ऐसे बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंड्रॉयड जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करती है एप्लीकेशंस बनाने में, ठीक। और मैं आपसे बता रहा था कि भाई ये एक, और स्टार्टिंग की बात बहुत पहले मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जब एंड्रॉयड हमारा नहीं आया था, तो एंड्रॉयड से पहले हमारे पास हर मशीन के अंदर, हर हार्डवेयर मशीन के अंदर, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर दो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, पहला उसका हार्डवेयर कंपोनेंट, दूसरा उसका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और दोनों के बीच का एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है कर्नल। तो और जब अगर हम बात करें हमारे पुराने फ़ोन्स में, तो उसके अंदर भी कर्नल होते थे, उसके अंदर भी हार्डवेयर होते थे, सॉफ्टवेयर होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और हर कंपनीज अपने कुछ न कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती थी, लेकिन उन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके फ़ोन उतने स्मार्ट नहीं होते थे, उसमें स्मार्ट फंक्शनलिटीज़ नहीं होती थी और उतने ज़्यादा डेवलपर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो इस चीज़ को माइंड में रख के एंड्रॉयड को बनाया गया। लेकिन बात यह है कि एंड्रॉयड को बनाने का मतलब ये हो गया कि एक प्लेटफॉर्म बनाना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, तो कहीं ना कहीं जो इसके क्रिएटर्स थे एंडी रूबिन, उनके माइंड में था कि भाई ये एक अकेले बस की बात नहीं है, अगर हम इसको अकेले बनाएंगे तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल, और कर्नल को बनाना, जीरो से बनाना बहुत टाइम लग जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, हार्डवेयर लाइब्रेरीज़ को कॉल करने वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जिसको फ्रेमवर्क्स का नॉलेज अच्छा हो, जो प्रोग्रामिंग अच्छा जानता हो, साथ में हार्डवेयर लेवल पे उसको अच्छा पता हो, ठीक है। तो इन सारे लोगों को अलग अलग तरीके से, कह सकते हो, लेके उन्होंने टीम बनाई और फिर इसका स्टार्टिंग करा। और एंडी रूबिन खुद ही, मतलब रोबोटिक्स में उनको एक्सपर्टीज था, कह सकते हो वो एम्बेडेड के वो थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे थे, उनको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब आती थी पहले से। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम एक काम करें,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कर्नल की जरूरत पड़ती है, तो जीरो से कर्नल बनना बना के हम बने बनाए कर्नल को यूज कर लें, इसीलिए उन्होंने लिनक्स कर्नल को कॉल कर लिया, लिनक्स कर्नल को यूज कर लिया। उस टाइम पे ओपन सोर्स कर्नल था ये, तो उसकी लाइब्रेरीज को यूज करके इन्होंने अपने बेस में सब नीचे ये देखो लिनक्स कर्नल ये पूरा बनाया हुआ है, ये लिनक्स कर्नल का सिंबल है जिसको देखो, यहाँ पावर मैनेजमेंट है ना, शेयर्ड मेमोरी, वाईफाई की, मतलब कह सकते हो कर्नल के पास आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं उन तक भी पहुंचने का एक अथॉरिटीज होता है, परमिशन होता है, ठीक है। तो इस कर्नल को यूज करके पूरा एक मतलब कह सकते हो उसी कर्नल को ही रियूज कर लिया, रिकॉल कर लिया। अच्छा, अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, मतलब एक पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं भाई प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसे बंदे को भी जुगाड़ करा जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज हो, जिनको मतलब प्रोग्रामिंग आता हो, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया भाई, एक एक बंदे को उठाया जिसको प्रोग्रामिंग आ रही है, जिसको हार्डवेयर का नॉलेज है, और सबको अलग अलग टास्क दे दिया। अच्छा, लेकिन बात ये थी कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम पे कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मार्केट में चल रही हो, उसको हम यूज करें। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, बहुत पहले तो इन्होंने जावा को ही यूज करा, मतलब एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग। देखो एंड्रॉयड तो कोई ऑपरेटिंग मतलब लैंग्वेज तो है नहीं, एंड्रॉयड जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोग्राम को चलाने में और एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करेगा। तो इन्होंने जो प्रोग्रामिंग का सपोर्ट दिया शुरू में वो जावा का ही दिया था, मतलब जावा मतलब ऐसे समझ लो कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओनली और ओनली जावा में ही पॉसिबल थी, एंड्रॉयड ऐप ओनली जावा में ही बनते थे। आज के टाइम पे तो खैर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट .NET में, PHP में, और दुनिया जहान की बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, C++ में, सब में पॉसिबल है, बट पहले नहीं था, राइट। तो ठीक है, तो उन्होंने जावा को मतलब यूज करा, लेकिन जावा के साथ एक दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है, कोई ऐसी ड्रॉबैक आप लोग बताओ, आप जावा पढ़े हो, बोलो भाई। कोई तो दिक्कत है जावा में सर? दिक्कत परमिटेड डेटा टाइप, वो परमिटिव डेटा टाइप वही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और सर। ये सर ये अपने ही उस पे रन होती है, क्या नाम है, जावा के प्रोग्राम अपने ही JVM पे ही रन होंगे, ऐसे बाहर रन नहीं हो सकते। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम? और सर और प्रॉब्लम है जावा के साथ कि जावा का प्रोग्राम डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। मतलब अगर हमें हार्डवेयर लेवल पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो मुझे मुझे अपने हार्डवेयर के अंदर हमारे कैमरा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ गई, या मान लो हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके कुछ इंटरनल ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो भाई उस केस में क्या होगा, है ना समस्या? यस सर। तो इन्होंने क्या करा कि जो जैसे मान लो कि हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन उठाओ अपने हाथ में, ठीक है, और जब एक एंड्रॉयड फ़ोन अपने हाथ में उठाओगे तो हर फ़ोन के अंदर, समझ रहे हो, हर फ़ोन को जब आप उठाते हो और उसमें कोई भी एप्लीकेशन इधर उधर आप रन करते हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऐप आपने चलाया, इधर उधर रन किया, ठीक है, तो जब आप किसी भी फ़ोन को अपने पास लेते हो और उसको देखते हो, तो एज अ यूज़र आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, आप तो भाई ऐप से डील कर रहे हो, यानी कि आप इस लेयर पे हो, हैं? आप अपने फ़ोन में ईमेल के फंक्शनलिटी यूज करते हो कि नहीं करते हो, बोलो? आप अपने फ़ोन में कैलेंडर यूज करते हो, फ़ोन का कैलेंडर, फ़ोन का कैमरा यूज करते हो, तो फ़ोन का कैमरा हो गया, फ़ोन का कैलेंडर हो गया, ईमेल हो गया, है ना, ये आपका डायलर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, व्यू सिस्टम,
अच्छा ये सब तो जावा एपीआई फ्रेमवर्क का पार्ट है, ऊपर की बात करो, इधर की बात करो। तो एक मोबाइल फोन के अंदर, कोई भी मोबाइल फोन अगर आप बात करते हो, तो हर मोबाइल फोन में आप सबसे ऊपर वाले लेयर से डील करते हो, सबसे ऊपर वाले लेयर से बात करते हो, है ना। और ये जो लेयर है ये कैसे डेवलप होता है, क्वेश्चन तो ये है ना, ये कैसे बनता है। जैसे फोन में जो ऐप्स वैप्स होते हैं जो आप यूज करते हो, वो जावा एपीआई फ्रेमवर्क का यूज करके, यानी कि जावा के अंदर डेवलप करी गई एपीआई और उनके फ्रेमवर्क का यूज करके ये बनाए गए होते हैं, समझ रहे हो। और उसके नीचे क्या चल रहा है भैया, उसके नीचे चल रहा है नेटिव लाइब्रेरी जो कि सी सी प्लस प्लस में है। आप कहेंगे कि सर ये सी सी प्लस प्लस में नेटिव लाइब्रेरीज का क्या रोल है, तो कहने का मतलब है कि एक मतलब एंड्रॉयड को पूरा एक सॉफ्टवेयर स्टैक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम तो एज अ डेवलपर हम एप्लीकेशन से डील करते हैं, ऐप यूज करते हैं, और ऐप्स जो होती हैं वो इन एपीआईज और फ्रेमवर्क को यूज करके बनती है। अब आप जावा में एपीआईज का तो मतलब समझते होगे, एपीआईज और फ्रेमवर्क का मतलब, एपीआईज और फ्रेमवर्क का मतलब हो गया भैया कि ये तो एक जनरल टर्मोलॉजी हो गई ना, एपीआईज और फ्रेमवर्क एक जनरल टर्मोलॉजी हो गई। जनरल टर्मोलॉजी का मतलब, एपीआई का मतलब होता है सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, और फ्रेमवर्क का मतलब सेट ऑफ इनबिल्ट एपीआईज। तो एंड्रॉयड वालों ने एक्टिविटी, लोकेशन, पैकेज, नोटिफिकेशन, रिसोर्स, टेलीफोनी, विंडो, ये सब कुछ एपीआईज बनाई। ये सारी एपीआईज डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो, मतलब देखो डिपेंड करता है कि आप किस जगह यूज करोगे, किस वे में यूज करोगे, किस फॉर्म में यूज करोगे, आप किस टाइप के डेवलपर हो। सपोज करो आप जावा के डेवलपर हो तो इन जावा एपीआईज को यूज करोगे, डॉट नेट के लिए डॉट नेट का डेवलपर हो तो इन्हीं एपीआईज को यूज करोगे, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ना उस लैंग्वेज में अलग तरीके से दे दिया गया है, उसको अलग तरीके से यूज करोगे। सी सी प्लस प्लस की हो तो उसी हिसाब से करोगे। तो मतलब मतलब एंड्रॉयड की एप्स जावा में या इन ऊपर लेवल पे इनके इन पर्टिकुलर जावा फ्रेमवर्क्स को यूज करके बनती हैं, बट जब बात आ जाती है कि भाई अब फोन में हार्डवेयर तक इंटरेक्ट करना है, तो हार्डवेयर तक इंटरेक्ट कर्नल करता है, समझ रहे हो। और एक कर्नल, फिर ये लाइब्रेरी, फिर हार्डवेयर का एब्स्ट्रैक्शन लेयर, फिर है और फिर आपका एपीआई फ्रेमवर्क और ऊपर वाली एप्स, इन सबको मिला के हम बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर स्टैक, समझ रहे हो। तो इसलिए एंड्रॉयड को एक सॉफ्टवेयर स्टैक बोला गया। हम बोलते हैं कि हम एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं अपने, मतलब हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो फ़ोन तो एंड्रॉयड होता नहीं है। हाँ, एक ऐसा फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और उसमें एप्स भी एंड्रॉयड वाली ही होंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। लेकिन क्या ये सारा चीज़ मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये नीचे वाला लेयर है, जो ये कर्नल, कर्नल मतलब कह सकते हो कि कर्नल जिसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कह सकते हो कि सबसे नीचे, यानी कि बिल्कुल हार्डवेयर के अंदर की अगर घुस जाओ फोन के अंदर, तो उसमें आपका कर्नल चल रहा है, कर्नल के ऊपर कुछ एब्स्ट्रैक्शन लेयर चल रहे हैं, और वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या है भाई, जैसे और भी, जैसे ऑडियो, ब्लूटूथ, कैमरा, सेंसर, ये सब जो हार्डवेयर लेवल पे जाने का काम है, वो समझ लो कि उन सारे चीज़ों से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। वो सब जो लाइब्रेरीज हैं वो सी सी प्लस प्लस के अंदर हैं, सी सी प्लस प्लस के अंदर हैं, क्योंकि जावा डायरेक्टली किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी बनाई गई, ताकि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हो इंटरेक्शन ईजी हो, और मतलब ईजिली कहीं ना कहीं हम उससे इंटरेक्ट कर पाएँ, और थोड़ा रैपिड हो, फास्ट मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, ठीक है। अच्छा, और कुछ नेटिव लाइब्रेरीज भी यूज करे गए। अब यहाँ नेटिव लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है? नेटिव लाइब्रेरीज का मतलब होता है यार कि वो जिस भी फ़ोन में चलेगा, है ना, नेटिव सी सी प्लस लाइब्रेरी मतलब जिस भी फ़ोन में वो यूज़ होगा उन्हीं लाइब्रेरीज को ही कॉल करेगा इंटरनली वो, ठीक है। और बीच में कुछ एंड्रॉयड के अपने रन टाइम भी बनाए गए, जैसे
जिसको बोला गया एआरटी और कोर लाइब्रेरीज। तो एआरटी और रन टाइम का मतलब हो गया कि भाई जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे अगर आप जावा की कोडिंग कर रहे हो तो जावा के प्रोग्राम को जेवीएम पे चलाते हो, तो उसी तरह से अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे जो कोडिंग होगी वो जावा के सिंटैक्स को फॉलो करेगा, तो उस प्रोग्राम से बाइट कोड बनेगा, उस बाइट कोड को कौन रन करेगा, क्योंकि जेवीएम तो आपके मोबाइल फ़ोन में तो होगा नहीं, तो मोबाइल फ़ोन में होगा एंड्रॉयड का रन टाइम जिसको एआरटी बोला जाएगा, और जिसको हम पहले बोलते थे डीवीएम डेल्विक वर्चुअल मशीन, तो वो डेल्विक वर्चुअल मशीन हटा के उसको एआरटी नाम दे दिया गया जिसके थ्रू हमारे प्रोग्राम चलते हैं। समझ आई बात? तो नेटिव सी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, फिर इधर हो गया एंड्रॉयड का रन टाइम, हार्डवेयर, कर्नल, एपीआई फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन, सारा कुछ मिला के आपका एंड्रॉयड डेवलप करा गया। तो मतलब बात ये थी कि यार एक आदमी अकेले एक आदमी ने नहीं से बनाया, और कई डेवलपर्स जो अलग अलग एरियाज में जिनकी अलग अलग तरीके से एक्सपर्टीज थी सबको बुलाया गया और इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को कह सकते हो कि पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म को उठा के किसी हार्डवेयर में फैब्रिकेट कर दिया गया। अगर यही सारा चीज़ उठा के किसी फ़ोन में डाल टेलीविज़न में डाल दें या इसी को उठा के मान लो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डाल देंगे तो वो हमारा एंड्रॉयड वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाने लगेगा। ठीक है, तो शुरू में फ़ोन में चल रहा है, अभी भी फ़ोन में चल रहा है, टैबलेट्स में चल रहा है, तो बट लैपटॉप में भी जब आ जाएगा बहुत अच्छे से, उतना ज़्यादा लोग अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो इसे लैपटॉप में भी यूज करा जाएगा। अभी हमारा वही ट्रेडिशनल कल्चर चलता आ रहा है ना कि हमारे पास स्टार्ट बटन हो, विंडो हो, स्क्रीन आएगी, फिर ऐसा काम करेंगे, तो उस पर काम चल रहा है अभी, राइट? तो जब थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा तो आगे इसे यूज करा जाएगा। तो भाई ये होता है कर्नल और इन सारी चीज़ों की कहानी। समझे दीपक, या कुछ और पूछना है? तो नो सर, तो ये नेटिव लाइब्रेरीज का मतलब नेटिव लाइब्रेरीज़ का मतलब देखो, नेटिव लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरी होती हैं जो मतलब हमारी खुद की नहीं होती हैं, वो हाँ, वो सब समझ में आता है। नेटिव लाइब्रेरीज हम लोग नहीं बना सकते, नेटिव मेथड हम लोग नहीं बना सकते, कुछ भी नेटिव नहीं हो सकता, तो ये किस लिए बनाई गई हैं? इनका पर्पस है कि जैसे जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन में वो होता है, क्या नाम है, कैमरा होता है, राइट? हमारे फोन में मीडिया प्लेयर होता है जिससे गाना सुनता है, साउंड स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर एक हार्डवेयर है। अब उस हार्डवेयर तक मैं कोई सॉन्ग प्ले कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हार्डवेयर तक पहुँचे, और मैंने अपनी ऐप में एक बटन बनाया प्ले बटन, और प्ले बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया और वो प्ले होने लगेगा, म्यूजिक आपके हार्डवेयर तक पहुँच जाएगी। लेकिन क्वेश्चन है कि वो कैसे पहुँचेगी, उसके लिए एंड्रॉयड वालों ने एक मीडिया प्लेयर करके क्लास दिया, और वो मीडिया प्लेयर क्लास बनी है जावा में। अब वो जावा वाली मीडिया प्लेयर क्लास इंटरनली आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगी, नेटिव लाइब्रेरीज को कॉल करके वो हार्डवेयर तक आपकी कोड को ले जाएगी। उसके लिए उन्होंने लाइब्रेरीज बना रखी है, मीडिया फ्रेमवर्क्स बना रखी हैं और बहुत सारी लाइब्रेरीज बना रखी हैं। समझ में आई बात? तो ये सब एआरटी और बताइए। हाँ जी, यस सर, एआरटी। एआरटी जो होता है ये समझ लो कि जैसे जावा का जेवीएम है ना, उसी तरह से समझ लो, जावा का जो जेवीएम काम करता है वही एआरटी काम करता है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब आप करते हो तो वहाँ पे आपको सारी कोडिंग जावा में होती है, तो जावा से बनेगा बाइट कोड, और फिर उस बाइट कोड को आपके एंड्रॉयड के कंपेटेबल उस कोड में बदलने के लिए, जैसे एंड्रॉयड में हम जब एक प्रोग्राम हमारा बनता है तो एपीके बनता है, अगर आपको पता हो, जो हमारे फ़ोन में चलता है, और हम कोडिंग करते हैं जावा में, ठीक है, तो और हम डिज़ाइनिंग करते हैं एग्जामल में एंड्रॉयड के अंदर, तो उधर से एग्जामल, उधर से जावा, समझ रहे हो, ये सारा चीज़ कंबाइन होकर एपीके बनता है। लेकिन बात ये है कि एपीके जो बनता है वो कैसे बनता है, किसी टूल से। वो टूल क्या होता है, वो टूल होता है APT करके टूल होता है, एप्ट नाम से एक टूल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो एप्ट टूल जो होता है, हाँ जी, ग्रेडल सब बताऊंगा अभी, बस देखो अभी इतने ज्यादा वो उसमें जाओगे तो थोड़ा सा डूब जाओगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो एक अलग चीज है,
और एंड्रॉयड एक अलग चीज है। एंड्रॉयड स्टूडियो जस्ट एक मीडियम है जिससे एंड्रॉयड ऐप बनती है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो की ना बात करके अभी हम एंड्रॉयड के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर एंड्रॉयड है क्या, समझ रहे हो। तो वो जो ग्रेडल वेडल है वो स्टूडियो का पार्ट है, एंड्रॉयड स्टूडियो का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि ART एंड्रॉयड का रन टाइम होता है। एंड्रॉयड जैसे जावा का रन टाइम JVM, वैसे एंड्रॉयड का रन टाइम ART। हर फोन में ARTी पड़ी होती है ऑलरेडी, एंड्रॉयड का रन टाइम पड़ा होता है। जैसे ही हम कोई भी ऐप वैप बना के, कोई भी ऐप बना के अपने फ़ोन में डालते हैं और क्लिक करते हैं और वो लॉन्च हो जाता है, वो चलने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ ARTी, क्योंकि वो ARTी ही वो चीज़ होती है जो हमारी ऐप को चलाती है, उसको मैनेज करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। जैसे जावा का प्रोग्राम आया, बाइट कोड बन गया, अब बाइट कोड को कौन समझ सकता है, JVM। उसी तरह से एंड्रॉयड की APK को कौन समझ सकता है, वो ARTी समझ सकता है। वो कौन से, उसे कौन चलाने वाला है, ARTी चलाने वाला है सारा चीज, ठीक है। तो जावा का JVM बाइट कोड बना, बाइट कोड को EXE में बदल के उसको चलाना, उसी तरह से ये ARTी में, मतलब समझ लो कि JVM भी है कहीं ना कहीं, वो हमारे बाइट कोड को भी है, यानी कि हम जब एंड्रॉयड में कोडिंग करेंगे तो हमारा बाइट कोड भी बनेगा, तो उस बाइट कोड को भी समझेगा, उस XML को भी समझेगा, सबको समझ के APK बन गया, और APK हमारी एग्जीक्यूट हो गई, और जब जब APK एग्जीक्यूट होगी चलेगी तो ARTी ही उसे मैनेज करेगी, ARTी ही उसे चलाएगी। तो वो चीज़ होती है। और बताइए, ठीक है। सो एंड्रॉयड इज व्हाट, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर स्टैक, या इट इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक फॉर मोबाइल डिवाइसेज विच इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, या इट इज विच इज यूज्ड इन एंड्रॉयड, दैट इज लिनक्स कर्नल। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिनक्स कर्नल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड सिस्टम एप्लीकेशन, दिस ऑल बिकम एंड्रॉयड। इज नॉट अ लैंग्वेज, इट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, इट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, इट प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंट बाय विच वी कैन डेवलप द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूजिंग द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, कोटलिन एटसेट्रा, C++, PHP एटसेट्रा, जो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें इसकी कोडिंग करी जा सकती है। और इनकी प्रोग्रामिंग के लिए, इनकी कोडिंग के लिए, इसके ये पूरे सॉफ्टवेयर स्टैक को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम SDK बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट अलग से भी इंस्टॉल करा जा सकता है, किसी IDE में प्लग करा जा सकता है जैसे इक्लिप्स वगैरह में, और उसमें इंटेलिजे में या किसी जगह, और फिर वहाँ पर कोडिंग करी जा सकती है, और इवन नोटपैड से करना है तो भी पॉसिबल है, लेकिन इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जब एंड्रॉयड हमें खुद ही एक टूल देता है, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, एक आईडी देता है बढ़िया सा एंड्रॉयड स्टूडियो, उसी को ही यूज करके ही आप एप्लीकेशन डेवलप करिए, उसको इंस्टॉल करते हो तो आपका SDK वगैरह सारा चीज़ आपके साथ मिल जाता है, और फिर आप वहाँ पर काम कर पाते हैं। जब SDK इंस्टॉल करते हो तो उसकी के अंदर ही एंड्रॉयड का रन टाइम, एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज, आपका जो भी चीज़ें जरूरत वाली होती हैं, सॉफ्टवेयर स्टैक पूरा आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और बताइए, कर्नल, सॉरी, किटलोन दूसर चीज है, किटलोन नहीं, कोटलिन, सॉरी कोटलिन, कोटलिन एक अलग ही लैंग्वेज है जैसे जावा लैंग्वेज है। एंड्रॉयड की कोडिंग कोटलिन में भी होती है, एंड्रॉयड की कोडिंग जावा में भी होती है, और इसका सर इंटरचेंजेबल रहता है कोड। हाँ जी, जावा और कोटलिन में इंटरचेंज हो जाता है कोड। हाँ, इंटरचेंज हो जाता है कोटलिन और जावा में, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग मतलब मेरे से पूछते हैं कि सर फिर जावा ही सीखना ज़रूरी है, क्या क्या आना चाहिए, तो इसमें क्या क्या वाली वर्ड नहीं, आपको कोई एक चीज़ आना चाहिए, या तो कोटलिन सीख लो या तो जावा सीख लो। और मैं बताऊँ एंड्रॉयड के, मतलब कह सकते हो स्पेशली जो गूगल है कंपनी ने कोटलिन को प्रमोट करा और चलाया, लेकिन मार्केट में अभी भी 90% मान लो, 10% नहीं कहूँगा, 90% जो है आपका जावा ही यूज होता है, और उसी में ही एप्स बनती हैं,
अगर आपकी इच्छा है तो कर लेना, आने वाले टाइम पे मैं जब आपको पूरा जावा सिखा लूंगा तो कोटलिन का एक आध एप्लीकेशन रन करके मतलब प्रोग्राम बना दूंगा आपके लिए, और एंड्रॉयड स्टूडियो में भी चला के दिखा दूंगा। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स विंटैक्स चेंज है, और प्रोग्रामिंग वैसे ही होती जैसे जावा में होती है ना, और थोड़ा बहुत वेरिएबल बदल जाएंगे, सिंटैक्स बदल जाएगा, बाकी सारा चीज़ वैसे ही होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सीखना ही है, नहीं भी सीखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो अल्टीमेट ऐप बनाने आना चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आप सी आती है तो सी में डेवलपमेंट करो, जावा आती है तो जावा में करो, ठीक है, पाइथन में तो होता नहीं है, ठीक है।